जय हिंद दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख दे सकता है तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा सच में हो रहा है। वर्तमान समय में पाकिस्तान की खस्ता हालत किसी से भी छुपी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने मालदीव को आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। भारत से तनाव के बीच मालदीव के समर्थन में पाकिस्तान सामने आया है। पाकिस्तान ने मालदीव को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू से फोन पर बातचीत के दौरान दिया है। उन्होंने मालदीव पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशंस को मजबूत करने पर जोर दिया था। दरअसल भारत ने मालदीव को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प में करीब 22% की कटौती कर दी है। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में मालदीव के डेवलपमेंट में मदद पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं, जबकि 2023-24 में भारत सरकार ने मालदीव को 770 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई थी। विदेश मंत्रालय के जरिए ये मदद अलग अलग स्कीमों के तहत मालदीव तक पहुंचाई जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के साथ हर मोर्चे पर चल रहे गंभीर तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू चीन के बाद अब पाकिस्तान की शरण में पहुंच गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति माइजू ने पाकिस्तान के केयरटेकर अनवारुल हक काकर से डेवलपमेंट में मदद देने की गुहार लगाई है। चीन के इशारों पर नाच रहे माइजू ने पाकिस्तानी पीएम से ऐसे समय पर बात की है जब भारत ने मालदीव के लिए जाने वाले फाइनेंशियल एड में कटौती कर दी है। पाकिस्तानी लीडर ने भी मालदीव से प्रॉमिस किया है कि वह बायलेटरल रिलेशंस को पूरी तरह से मजबूत करेगा। मालदीव और पाकिस्तानी नेता के इस बयान के बाद भारत में कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट इस नापाक दोस्ती के खतरों के प्रति भारत को वार्न कर रहे हैं। उनका इशारा इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की ओर है, जिसका एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान काफी लंबे समय से पूरी दुनिया में करता रहा है। मालदीव में पिछले कुछ सालों में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपनी पकड़ मजबूत की है। भारत विरोध के नाम पर मालदीव के कई लीडर्स ने भी इसे बढ़ावा दे दिया है। अब अनवारुल हक काकर ने भी मालदीव को फिर से मदद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले मालदीव के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता था ताकि वे उसके मदरसों में पढ़ाई कर सकें। पाकिस्तान के मदरसे दुनिया भर में कुख्यात हैं। लश्कर सरगना हाफिज सईद समेत कई कट्टरपंथी इस्लामिक और आतंकी संगठन मदरसों के जरिए ही लोगों को अपनी कट्टर विचारधारा से जोड़ते हैं और फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ मोड़ते हैं। मालदीव और पाकिस्तान के रिलेशंस को समझने वाले लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ने वाले कई लोग मालदीव के कट्टरपंथी गुटों में शामिल हो गए हैं। इसमें कई ग्रुप ऐसे हैं जो पूरी दुनिया भर में सैंक्शन हैं, यानी कि प्रतिबंधित हैं। यही नहीं, 1970 और 80 के दशक के दौरान मालदीव के कई लोग फ्री एजुकेशन के नाम पर पाकिस्तान भेजे गए थे। मालदीव के इन लोगों को मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा दी गई थी। ये लोग जब मालदीव लौटे तो उन्होंने अपने देश में भी कट्टरवादी विचारधारा को बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं अगर दोनों देशों के बीच के व्यापार की बात करें तो यह बहुत ही कम है और पाकिस्तान तथा मालदीव के बीच शिपिंग सर्विसेज की कमी इसकी काफी बड़ी वजह मानी जाती है। वहीं आपको बता दूं कि इससे पहले मालदीव भारत के बीच चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने चीन से बड़ी अपील की थी। मोहम्मद माइजू ने चीन से मालदीव में अधिक पर्यटकों को भेजने और कुछ आर्थिक मदद की भी अपील की थी। चीन की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन मोहम्मद माइजू ने मंगलवार को मालदीव बिजनेस फोरम में संबोधन के दौरान चीन को करीबी सहयोगी बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगी और साझेदारों में से एक बना हुआ है। 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट की प्रशंसा करते हुए माइजू ने कहा था कि मालदीव के इतिहास में देखी गई ये सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। उन्होंने चीन से मालदीव में अपने पर्यटकों को अधिक से अधिक भेजने की अपील की है। मोहम्मद माइजू ने कहा था कि कोविड से पहले चीन हमारा यानी मालदीव का नंबर 1 मार्केट हुआ करता था और मेरा अनुरोध है कि हम चीन को इस पोजीशन को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करें। मालदीवियन मीडिया ने बताया कि दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप में एक पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए $50 मिलियन की प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं। अधिक चीनी पर्यटकों के लिए मोहम्मद माइजू की अपील मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद एक राजनयिक विवाद के बीच आई है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में देश के लिए सबसे बड़ा पर्यटक बाजार बना रहा। मालदीव में सबसे अधिक पर्यटक 209,198 भारत से थे। इसके बाद 209,146 पर्यटक से रूस दूसरे स्थान पर था। चीन 187,118 पर्यटक से तीसरे स्थान पर बना था। मालदीव के मंत्रियों के बयान के बाद मालदीव सरकार ने कहा था कि यह इन मंत्रियों की निजी राय थी और यह सरकार का रुख नहीं बताता, लेकिन बाद में विवाद को बढ़ता देख मालदीव सरकार ने अपने इन मंत्रियों को भी पद से हटा दिया था। यह विवाद सीधे सीधे मालदीव को कई मुश्किलों में डाल सकता है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ की GDP का 28% हिस्सा टूरिज्म पर ही डिपेंड करता है। ऐसे में अगर उनके पर्यटन पर थोड़ा भी असर पड़ गया
गया या उसके लिए किसी भी बड़े झटके से कम नहीं होगा। भारत से रिश्ते खराब होने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू की सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी मोहम्मद माइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दाखिल करने के लिए तैयार है। भारत ने भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मालदीव का आंतरिक मामला है और भारत इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगा। जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि यह मालदीव के आंतरिक मामले हैं और हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में मालदीव की संसद में विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर माइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दायर करने के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर एकत्र कर लिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने अभी तक इसे संसद में पेश नहीं किया है। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम मालदीव की संसद में हिंसा भड़कने के एक दिन बाद सामने आया है, जब सरकार समर्थक पार्टियां पीपल्स नेशनल कांग्रेस और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सांसदों ने इस कार्यवाही को बाधित किया और स्पीकर से भिड़ गए। यह झड़प राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू के मित्र मंडल में मंत्रियों के लिए सांसदीय मंजूरी लेने के लिए बुलाए गए एक विशेष सेशन के दौरान हुई थी। 45 वर्षीय माइजू ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारत के करीबी उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलोह को हराया था। उनके चुनाव के बाद से मालदीव और भारत के बीच कई मुद्दों पर कूटनीतिक खींचतान बनी हुई है और राजनयिक विवाद भी तब शुरू हुआ जब माइजू ने अपने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। आपको बता दें कि साल 2014 में मालदीव एक भयंकर संकट से गुजर रहा था। उस समय मालदीव का इकलौता वाटर डिस्टिलेशन प्लांट में आग लग गई थी। तब पूरा देश पीने के पानी की संकट से जूझने लगा था। इस प्लांट के अलावा चौतरफा समंदर से घिरे इस आइलैंड देश के पास मदद के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, पड़ोसी देशों से मदद की गुहार। आपको बता दें कि श्रीलंका और चीन भी मदद के लिए आए थे और इसी क्रम में भारत ने सबसे तेजी से ऑपरेशन नीड शुरू कर दिया था। भारत ने न केवल मदद की थी बल्कि मालदीव को संकट से भी उबारा था। मालदीव में आए इस पेयजल संकट में रोजाना 100 टन पानी की जरूरत पड़ती थी। मदद के लिए भारत के अलावा चीन, अमेरिका और श्रीलंका भी आगे आए थे, लेकिन मालदीव के शुरुआती 12 घंटे काफी क्रिटिकल थे। उस समय भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी और फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर थे। मालदीव के विदेश मंत्री ने पेयजल संकट और देश में मचे त्राहिमाम के बारे में सुषमा स्वराज को बताया था। तब उन्होंने कहा था, चिंता ना करें, जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। और फिर उसके बाद शुरू हुआ था भारत का ऑपरेशन नीर। आपको बता दें कि 12 घंटे के अंदर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर 3 और IL-76 विमान 375 टन पानी लेकर मालदीव पहुंचे थे। इसके बाद नौसेना के INS दीपक और INS सुकन्या मालदीव के लोगों के दबाव को कम करते हुए लगभग 2000 टन पानी पहुंचाया था। INS सुकन्या ने रोजाना 20 टन पानी साफ करके देशवासियों की मदद की थी। आपको बता दें कि मालदीव सरकार के रिक्वेस्ट के बेसिस पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत रेस्पॉन्ड किया था और दिल्ली से अराकोनम और उसके बाद माले तक पैकेज्ड वाटर पहुंचाने के लिए 3 C-17 ग्लोब मास्टर और 3 IL-76 विमान तैनात किए थे। 5 से 7 सितंबर के बीच इंडियन एयर फोर्स ने माले तक 374 टन पीने का पानी पहुंचाया था। वहीं एक बार साल 1988 में मालदीव में मचे विद्रोह को दबाने और सरकार की मदद के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के भाड़े के लड़ाकुओं ने देश में भारी तबाही मचाया था। और उसके बाद 26 दिसंबर 2004 में आए भयानक सुनामी से मालदीव में काफी लोगों की मौत हो गई थी। इस बार भी भारत के तटरक्षक डॉर्नियर विमान और वायुसेना के 2 एवरोस विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे के अंदर माले पहुंचे थे। इसके बाद साल 2014 में ऑपरेशन नीर के अलावा साल 2021 में कोविड के दौरान भारत ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में बड़ी मेडिकल टीम भेजी थी, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक और लैब टेक्नीशियन भी शामिल थे। तो दोस्तों, आप सभी भारत और मालदीव के विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।